मोल्डेड क्ले किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? तो मोल्डेड क्ले से ना बहुत सारे डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। ये जो मोल्डेड क्ले होता है मोस्टली ये क्राफ्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि एम्सिल होता है। एम्सिल आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, लेकिन एम्सिल चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम जो मोल्डेड क्ले होते हैं ना उसको हम इस तरह के क्राफ्ट बनाने के लिए कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ईजीली ये शेप अप हो जाता है, काफ़ी अच्छी शेप ले लेता है। तो मेरे पास ना बचे हुए थे तो मैंने इनका काफ़ी शेप बना के तैयार कर लिया था पहले ही ऑलरेडी मैग्नेट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे बचे हुए मैग्नेट्स जो हैं 5 और 4 कुछ बचे हुए हैं, उनको मुझे कंप्लीट करना है। उसके लिए नीचे जो आपको दिख रहा होगा, मैंने शेप्स पहले ही यहाँ पे बना के तैयार कर ली थी विद द हेल्प ऑफ मोल्डेड क्ले के टूल्स आते हैं, क्योंकि हाथ से बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है तो नहीं बना सकते। तो देखिए मैंने शेप्स बना ली थी पहले ही, बना के मैंने तैयार कर ली है ये। और यहाँ पे मैं इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। बनाने के लिए आपके पास थोड़ा पहले आइडिया होना चाहिए, तो बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी और आसान हो जाता है, विदाउट आइडिया बनाना काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो मेरे ना काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा भी बन गए थे, देखिए इस तरह से मैं काफ़ी एक्स्ट्रा बन गए थे। मैंने सोचा था कि ये सब यूज़ हो जाएंगे, बट जो मैग्नेट है ये तो काफ़ी छोटा है, तो इसलिए सारे यूज़ मेरे हो नहीं पाए, ये बच गए। और कई कबार क्या होता है कि सोचती मैं कुछ और हूँ, कुछ और बनाऊँगी, और बन कुछ और जाता है। तो इस तरह का ये जो मोल्डेड क्ले होता है ना, इसमें दो आते हैं अलग अलग तरह के, और उनको आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स करना होता है। ये हाथ पे चिपकता है, तो उसके लिए आप पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर आई थिंक 1 या 2 मिनट के बाद ना ये अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। आपको किसी भी जो भी शेप चाहिए ना, अगर कुछ इस तरह की शेप चाहिए तो उसके लिए आप इसको बेल लें किसी भी पुरानी चीज़ से। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टूल्स जो कि मैंने आपको दिखाया था पहले, तो इस तरह के मेरे पास टूल्स हैं, ये मोल्डेड क्ले टूल्स ही होते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो किस इनको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास हार्ट शेप के हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स के हैं। एक्चुअली मैंने बगाए तो बहुत पहले थे, यूज़ मेरे हो नहीं पाए, अभी यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के जो मोल्डेड क्ले टूल्स होते हैं ना, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। ये मैंने अमेजन से मंगाए थे। कुछ शेप्स तो हम नहीं बना सकते, बट कुछ शेप्स हम ज़रूर बना सकते हैं, हाथ से भी बनाई जा सकती हैं। जैसे इस तरह की बटरफ्लाइज तो नहीं बना सकते एग्जैक्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में। लेकिन ना कुछ चीज़ें मैंने आगे इसमें बनाई हैं इस क्ले से, तो आप देखोगे कि कुछ चीज़ें हम हाथ से भी बना सकते हैं। और बट इनसे ना शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। बट इनको यूज़ करने से पहले आप इसमें पाउडर ज़रूर लगाएं, अदरवाइज़ ना ये काफ़ी टाइम चिपक भी जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, और पहली या दूसरी बार जब आप बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आता है कैसे बनता है, इसलिए ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। कई कबार निकालते समय भी इनकी शेप नहीं प्रॉपर आ पाती है, तो ये प्रॉब्लम फेस होती है इन क्ले टूल्स के साथ। बट इनसे ना मैग्नेट बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे अब कुछ शेप्स तो मैं बना रही हूँ मैग्नेट्स के लिए, और कुछ शेप्स, क्योंकि ये जो क्ले है ना, एक बार इसको बनाने के बाद अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो ये एज़ इट इज़ ही जम जाता है। तो उससे पहले ही, मतलब 90 1 घंटे या 1.5 घंटे से पहले ही आपको इनकी शेप्स देनी पड़ती है। तो ये वर्ड जो मैं बना रही हूँ, ये मैं हाथ से बना रही हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो क्ले था वो बच गया था। तो इस तरह से मैं बनाऊँगी और ये कहीं और मेरा यूज़ हो जाएगा नेक्स्ट समय पे। अब मैंने इसका ऊपर का एक छोटा सा पर बना रही हूँ, जिससे ये थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक कलर, तो वाइट ना बेस अगर आप देंगे तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आता है वाइट कलर बेस देने के बाद। तो मैंने इसीलिए इन सभी को वाइट कलर दे दिया था, जिसमें मुझे ब्लैक भी करना था उसमें भी मैंने वाइट कलर कर लिया था, सभी में मैंने वाइट कलर कर लिया है पहले, जिससे कि जब मैं लास्ट में इसमें फिनिशिंग दूँ ना तो काफ़ी अच्छी शेप तैयार होके आए। तो क्योंकि 2 कोट तो करने ही होते हैं, इसलिए पहला कोट मैंने वाइट का कर लिया है। वाइट का कोट करने से जब हम सेकंड लेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा वो पेंट होता है उसमें। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर बना के मैंने इस तरह से कुछ हल्का सा ग्रीन किया है यहाँ पे, और हल्का ग्रीन शेड दे दिया है क्योंकि यहाँ पे लीफ है मेरी, तो इसलिए मैं इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा हल्का रख रही हूँ। इसी तरीके से ना मैं आगे इन सबको बना लूँगी।